करना है। FIA एक्ट के ऊपर 10 मार्क्स रे जो मार्क्स हैं ये कैश मार्क्स हैं। अब स्टूडेंट को यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, आपको कैसे इसको समझना है, कैसे पढ़ना है, ये हम तरीकेकार टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, इसको स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल करना है। ये सिर्फ 20 मिनट की गेम है, अगर आप 20 मिनट की गेम समझ गए तो आपको 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स आप MCQs इसके हल हो जाएंगे, तो आपको ये 10 मार्क आपकी ऐड हो जाएंगी। मतलब आप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अभी मैंने जैसे पेपर में आपको बताया है कि UPS में यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस में या OTS में ओपन टेस्टिंग सर्विस में या जो NTS है 5 साल के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। 91 के बाद 10 क्वेश्चन जो है FIA एक्ट के बारे में होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच सेक्शन डिफाइंस टाइटल। अब मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं भाई, सेक्शन 1 किसको डिफाइन करता है, टाइटल को। अब आपने ऊपर पढ़ के आए, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, टाइटल किसको डिफाइन करता है, आप डेफिनेटली ए को सिलेक्ट करेंगे, ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सेक्शन 10 सेक्शन जो है लिखे हुए हैं। सेक्शन 1 भाई टाइटल को डिफाइन करता है, सेक्शन 2 किसको डिफाइन करता है भाई, सेक्शन 2 डेफिनेशन भाई। हम अभी मैं आपको दूसरा सेक्शन भी बता रहा हूं, ऊपर मैं हिंट दे रहा हूं, सेक्शन 2 किसको डिफाइन करता है भाई, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन क्या होती है, FIA क्या है, FIA एजेंसी कैसे काम करती है, इसके बारे में। तो अब क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच सेक्शन। अभी कभी कभी ऐसे भी नहीं आ सकता, बिल्कुल सिंपल ये भी बता सकते हैं, सेक्शन 2 डिफाइंस, अभी ऐसे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन का अभी ट्रैक क्या करता है, ट्रिक यूज करता है, कौन ट्रिक यूज करता है, एग्जामिनर जो पेपर सेव करता है ट्रिक यूज करता है, उल्टा क्वेश्चन को कर देता है, कहता है सेक्शन 2 डिफाइंस, किसको डिफाइन करता है सेक्शन 2। ए ऑप्शन होगा कि भाई डेफिनेशन को भाई, बी होगा टाइटल को भाई, सी होगा एजेंसी को, डी होगा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। अब आपको ऊपर नंबर पे दे रहा था, अभी इसने क्वेश्चन की नेचर चेंज कर दी, आपको घबराना नहीं, आपको पता है कि भाई सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन को करता है, हमने कहीं लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, टाइटल है, एजेंसी है, नन ऑफ दीज, डेफिनेटली यहां हमने ए को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारी कौन सा आंसर होगा, ए। तो सेक्शन 2 किसको डिफाइन करता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन को, सेक्शन 2 किसको डिफाइन करता है, डेफिनेशन को। अब इस तरह से अब सेक्शन 3 जो है इसमें जैसे क्लियर मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, सेक्शन जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे बनी हुई है, किसके अंडर में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी सेक्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन को हम, क्योंकि इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल FIA एक्ट में 10 सेक्शंस हैं, 10 पॉइंट याद करनी है 10। अब सेक्शन नंबर, अभी और आपको भी मैं क्लू दे रहा हूं, सेक्शन नंबर 3, नंबर 3 किसको डिफाइन कर रहा है भाई, सेक्शन नंबर 3 किसको डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, ऑफ एजेंसी, अब एजेंसी को डिफाइन करता है। अब आ रहे हैं सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 किसको डिफाइन कर रहा है, सुप्रीडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भाई, सेक्शन 4 सुप्रीडेंस या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी मैडम मुस्कान है वो हमारे सेंटर की जो वर्चुअल अकेडमी उसकी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम उसको कहेंगे भाई हमारे अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सेक्शन 4 किसको डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, 95 क्वेश्चन नंबर क्या है, FIA के बुक में आप बैठे हुए, आप यू फील इट के क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच सेक्शन ऑफ FIA एक्ट 1974 डिफाइंस, अभी फुल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, ऑफ द एजेंसी।